बाला साहब ठाकरे की स्मारक पर विवाद फिर शुरू हो चुका है। अभी तक तो यही चल रहा था कि स्मारक कहां बनना चाहिए, अब एक नया विवाद खड़ा हुआ है तंबू को लेकर। एक दिन की इजाजत दी थी तंबू लगाने की, ऐसा कहना है बीएमसी का, लेकिन वहां पर शिव सैनिकों ने 13 दिन बीत जाने के बाद भी जो तंबू लगे थे शिवाजी पार्क पे, उनको अब तक नहीं हटाया है। यानी कुल मिलाकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी टेम्पररी ढांचे को लेकर के पिछले 13 दिनों से लगातार विवाद बना हुआ है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बाला साहिब के अंतिम संस्कार के अगले दिन यहां शिवसैनिकों ने तंबू गाड़ दिया। तब से 13 दिन बीत जाने के बाद भी ये तंबू नहीं हटाया गया। इन 13 दिनों में बाला साहिब के स्मारक को लेकर काफी राजनीति हो चुकी है, पर अब क्या होगा, ये सवाल बीएमसी के अधिकारियों को परेशान कर रहा है। एक तरफ कोर्ट के आदेश तो दूसरी तरफ बाला साहेब ठाकरे का कद, इसीलिए संबंधित वार्ड की तरफ से बीएमसी के आला अधिकारियों और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में लिखा है कि यहां इजाजत 1 दिन की थी, पर यह ढांचा अब भी खड़ा है। कोर्ट के आदेश अनुसार यह गलत है। अब क्या करना चाहिए? खास बात यह है कि मुंबई के मेयर का घर शिवाजी पार्क के ठीक सामने है, बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, पर शिवसेना से आए मेयर से इस मसले पर कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी होगा। विरोधी पक्ष एनसीपी का कहना है कि कानून में रहकर ही शिवाजी पार्क में स्मारक की इजाजत दी जा सकती है। पूर्व स्पीकर जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि हम कानून हाथ में ले लेंगे, संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता है वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई कानून बीच में ना आए, सरकार बीच में ना आए, न्यायालय बीच में नहीं आए, हमारी भावना और आस्था का सवाल है। तो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश और राज्य किसी भावना या श्रद्धा से नहीं चलता, कानून से चलता है, और कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और कानून अपना काम करेगा। एमएनएस ने तंबू नहीं हटाने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पहले ही कह चुके हैं कि स्मारक के लिए कानून से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। शिवाजी पार्क का रिश्ता बाला साहेब ठाकरे से बेहद खास रहा है, यहीं उन्होंने शिवसेना की स्थापना की और इसी जगह लाखों नम आंखों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पर किसी को नहीं पता था कि कुछ दिनों में ही बाला साहेब और शिवाजी पार्क का ये रिश्ता विवादों में तब्दील हो जाएगा। इस मामले का समाधान कैसे निकाला जाए, आखिर ये पूरी गुत्थी सुलझेगी कैसे? एक तरफ शिवसेना अपनी रणनीति बना रही है तो दूसरी तरफ बीएमसी के अधिकारी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन दोनों की रणनीति बनाने की इस प्रक्रिया में एक बात समान है, दोनों ही पक्ष में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कमलेश सुतार के साथ आदित्य मन, मुंबई आज तक।